TSC-45 टेरा रिक्वायरमेंट RMC बेचिंग प्लांट की इलेक्ट्रिक पैनल को सबसे पहले चालू करने के लिए मेन स्विच यहाँ से जो साइड में बताया हुआ है इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी मीटर और उसका RYB फेस तीनों बताता है। फिर हम इमरजेंसी बटन को ऑन करते हैं। इमरजेंसी बटन ऑन करते ही मिक्सर कवर एलएस का लैंप जलना चाहिए। उसके बाद हमें डिस्प्ले चालू करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ये बटन दी हुई है कोने में, इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करते ही गेट क्लोज रहेगा मिक्सर का, तो उसका सिग्नल यहाँ से बताएगा लाल कलर का। उसके बाद डिस्प्ले ऑन होगा। फिर ये लॉगिन बताया हुआ है, हमारे लॉगिन पेज पे टच करने का। यूज़र आईडी में इसका पासवर्ड डालने का, वो पासवर्ड है OEM इंटर। पासवर्ड में डालने का OEM456 इंटर मारने का, ओके करने का। इस तरह से हमारा इसका मेनू खुलेगा। सबसे पहले मेनू इसका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में हम पासवर्ड डालते हैं ऐसे 1 2 3 का, फिर इस तरह से हमारा पेज खुलेगा। कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो इनपुट का 0 लिखा हुआ है वर्ड, इसको दबा करके 0 कर लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। फिर मैनुअल पे जा करके जो प्रोसेस रहेगा उसको 0 कर देने का। फिर बाहर निकलते ही वापस कैलिब्रेशन में जाने का। फिर कैलिब्रेशन पे टच करके यहाँ पे 0 0 लिखा रहता है तो उसको 0 कर देने का। एक्चुअली ये पहले कैलिब्रेशन हो चुका है इसलिए हम 0 नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टच करके जितना वेट का करना होगा यहाँ से आप लिख लेना, फिर इंटर मार देना। इंटर मारने के बाद जैसे इतना लिखने के बाद यहाँ पे इंटर मारोगे तो वहाँ पर एक्चुअल वेट आ जाएगा। एक्चुअल वेट आने के बाद 2 सेकेंड वेट करना, फिर उसके बाद एक एक करके वेट को उतारना। जैसे आप 20 किलो का वेट से कर रहे हो तो एक 20 किलो का बाट उतारना, तो 20 kg माइनस होना चाहिए। अगर 40 किलो के बाट से कर रहे हो तो 40 किलो माइनस होना चाहिए। 50 केजी के बाट से कर रहे हो तो 50 केजी माइनस होना चाहिए। आप जितना उतारोगे उतना माइनस होते रहेगा एक्चुअल में, और इनपुट का वैसे ही को वैसे ही दिखेगा। तो इस तरह से कैलिब्रेशन का ये करते हैं। उसके बाद होम पेज पे जाने का। दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट पैरामीटर है। प्रोडक्ट पैरामीटर में हम ये सारा मटेरियल का नाम वगैरह सेट करते हैं। एग्रीगेट का, एग्रीगेट 2, एग्रीगेट 3, एग्रीगेट 4 में सीमेंट 1, सीमेंट 2, वाटर और एडमिक्चर। इसका टॉलरेंस जितना परसेंट है उतना यहाँ से पहले से सेटिंग में डाला रहता है, और फ्लाइट बेड में कुछ नहीं डालते हैं। रिकैलकुलेट जब आप प्लांट चालू करते हो उसमें किसी मटेरियल में 2-4 kg इश्यू होता है तो आप रिकैलकुलेट ऑन करके चलाने का, उसके बाद बाहर निकल जाना। ये स्केल पैरामीटर है। स्केल पैरामीटर में पहले डेड वेट आता है, दूसरा फिलिंग टाइम आती है, तीसरा डिस्चार्ज ऑफ टाइम आता है, चौथा स्मॉल केजी वेट आता है, पांचवा लोडिंग सीक्वेंस टाइम आता है, छठा डिस्चार्ज ऑफ टाइम आता है। इस सेटिंग में जब आपको किसी मटेरियल को जैसे डेड वेट में कोई चीज़ बंद नहीं होता हो और वाइब्रेशन की वजह से फ्लक्चुएशन मारता हो 5-6 kg, तो आप डेड वेट में जा करके 1 kg प्लस कर सकते हैं। फिलिंग टाइमिंग 60 सेकेंड की इसलिए है कि 60 सेकेंड में एक बैच आपका पूरा होना चाहिए। डिस्चार्ज टाइम सेकेंड जो होता है ये 30 सेकेंड के अंदर में डिस्चार्ज अगर नहीं होता है तो डिस्चार्ज एरर का अलार्म आता है, ठीक है। इस तरह से स्मॉल केजी ये हम सेटिंग करके पहले से रख देते हैं 15 kg का और 5 kg का। और दूसरा लोडिंग सीक्वेंस टाइम का, इसमें जैसे मटेरियल पूरा हो जाता है बैच उसको कब तुरंत लोडिंग लेना है, चालू करना है, तो उतने सेकेंड में ये चालू होगा। डिस्चार्ज ऑफ टाइम ये है कि जब कोई चीज़ डिस्चार्ज हो गया मिक्सर में तो उसको 3 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा। और ऐसे ही सीमेंट वाटर एडमिक्चर का है, ये भी 5 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा, फिर बाहर निकलेंगे। ये हमारा प्लांट पैरामीटर है। प्लांट पैरामीटर में हमारा फर्स्ट प्लांट नेम अपना जो हमारी कंपनी का TSC-45 बैचिंग प्लांट है, प्लांट एड्रेस है टेरा इक्विपमेंट डीजीआसन GIDC मेहसाणा। ये हमारा गैदरिंग का टोटल वेट है, रिसिपी टोटल इतना तक सेव कर सकते हो आप। दूसरा ये हमारा बिन ऑन का और ऑफ का टाइमिंग डाला हुआ है, और ये हूटर का टाइमिंग है रिसेट। पाँच जैसे साइकिल आपकी ख़त्म होगी ये 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर ये बजर बजेगा।
ये एक कृषि में जाने के बाद जैसे आपको मान लो कोई भी मटेरियल इंचिंग में चलाना हो तो यहाँ से ऑटो जोक कर देना, ये पहले से ऑटो जोक है। यहाँ पे ऑटो जोक करोगे तो आपको ऑफसेट मिलेगा वो, और ऑफसेट चेक करने के लिए आप राइट वाले बटन पे टच करेंगे तो ये पेज खुलेगा और यहाँ पे पेज ऑटोमेटिक ऑफसेट सेट कर लेगा, फिर बाहर निकलनेगा। जब आप अगर ऑटो जोक में नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इसको टच करके ऑटो कर सकते हैं, और फिर वापस अब आपको सेटिंग में बराबर नहीं माल आता है तो फिर वापस आप ऑटो जोक में चला सकते हैं। और ये सीमेंट का और पानी का और एडमिक्चर का इस तरह से ऑटो रहता है, इसको भी ऑटो जोक करते हैं, पर ऑटो में करके चलाने से अच्छा रहता है, इसका गेट फंसेगा नहीं बार बार। ये होता है एक कृषि पैरामीटर की सेटिंग। कोई भी मटेरियल कम ज़्यादा अगर होता है तो लार्ज जोक वेट से यहाँ से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे वो ज़्यादा गिरता है तो थोड़ा प्लस कर देने का, अगर कम गिरता है तो थोड़ा सा कम कर देने का। इस तरह से आपको दो चार बैच चलाएंगे तो सेटिंग हो जाएगी। होम पेज पे जाइएगा, रेसिपी पे। हम सबसे पहले यहाँ से जितने नंबर की रेसिपी बनाना है, मान लो दो नंबर की, तो हम दो नंबर पे यहाँ टच करके मिक्स नेम में डाल देंगे। जैसे मान लो हमें आपको M15 का माल बनाना है, ये रेसिपी हमारी M15 आ गया। M15 में सेंड आपको मान लो हम 900 kg लेना है, 10 mm आप 650 kg लेना है, 20 mm भी 550 kg लेना है, 40 mm आपको 450 kg लेना हो, सीमेंट 150 kg लेना हो, दूसरी सीमेंट भी अगर आपको 150 kg लेना हो, पानी 180 लीटर, एडमिक्चर 5 लीटर। इस तरह से प्रोसेस पूरा करके आप सेव कर लीजिएगा, जो आएगा यहाँ पर उतने की आपकी रेसिपी बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ से क्लाइंट का नाम सेव कर सकते हैं, क्लाइंट पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पे दयानिधि लिखा हुआ है तो इसके नीचे आप दूसरे क्लाइंट का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे SS इंफ्रा इंटर, सेव कर दीजिएगा। ये आपकी क्लाइंट सेव हो गई। साइड, आपकी साइड मान लीजिए अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद लिखिएगा, इंटर सेव कर दीजिएगा। ट्रक नंबर में आपके गाड़ियों का नाम लिखना है, एडिट करके टच करिएगा, जो भी आपको लिखना होगा गाड़ी का नाम उस तरह से आप अपने गाड़ी का नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद सेव कर दीजिएगा। ये आपकी प्रोसेस पूरा यहाँ से होते ही आप होम पेज पे जाइएगा, ये क्लाइंट सेम वही प्रोसेस है जो मैंने बताया, साइट वही वाला है, ट्रक वही वाला है। ऑपरेटर पैरामीटर में, ये हमारा ऑपरेटर पैरामीटर है। ऑपरेटर पैरामीटर में पहला हमेशा पेन ड्राइव यस करने का, और ये बैच कनेक्शन है, बैच कनेक्शन भी यस करके रखने का। ये स्क्रीनशॉट है, साइकिल ख़त्म होते ही आपको स्क्रीन पे जो बैच चला है वो पूरा दिखाएगा। और ये बिन वाइब्रेटर की सेटिंग है कि बिन वाइब्रेटर हमारा मान ली एक में लगा है तो हमें एक में रखेगा, और दो में रखना है तो दो में, जिसमें मोटर लगा रहेगा उसको यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। प्लांट कैपेसिटी हमारी 45 का है, मिक्सर कैपेसिटी हमारा 0.75 है, क्लोज टू हाफ ओपन टाइम हमने 10 सेकंड रखा है। इस तरह से यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उस तरह से आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। फिर होम पेज पे जाइएगा, फिर आप IO इनपुट, ये हमारे पैनल का IO है जो इनपुट और आउटपुट स्टेटस दिखाता है। यहाँ से ये इनपुट का स्टेटस है, यहाँ से आउटपुट का स्टेटस है। होम पेज पे जाइएगा, ये हमारा ऑर्डर है। मान लो आपको आप ऑर्डर में आए, जब आपको M15 का माल चलाना है तो यहाँ पे वो रेसिपी सेट हो जाएगी। M15 पर टच करेंगे तो यहाँ मिक्स नेम में M15 आ जाएगा, मिक्सिंग डिजाइन नंबर 2 आ गया, और ये आपकी डिजाइन आ गई। सेंड जितना हम लिए थे उतना आपको पूरा लिखा हुआ आएगा। मान लीजिए क्लाइंट नाम दयानिधि है तो अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो क्लाइंट में आप जाइएगा, जितना आप यहाँ लिखे रहेंगे क्लाइंट का नाम, जैसे SS इंफ्रा है SS इंफ्रा टच कर दो। साइड नाम आपको अहमदाबाद में तो अहमदाबाद पे टच कर दो। ट्रक नंबर आपको 1542 है तो 1542 पे टच कर दो। और दिस लोड आपको कितना MQ माल निकालना है उतना MQ आप डाल सकते हो।
आपको मान लो 6 MQ माल निकालना है तो 6 MQ है यहाँ पे टच कर देने का। फिर इस प्रोसेस को चालू करने के लिए यहाँ से ऑटो कर देने का। ऑटो करने के बाद पहले आपका मिक्सर तो ऑन होना चाहिए। मिक्सर ऑन होते ही डेल्टा गिरेगा और ये लिमिट स्विच आपको क्लोज का सिग्नल दिखाएगा। इतना प्रोसेस होने पर आप सेट लोड पे टच करेंगे। जैसे टच करेंगे सेट लोड पे तो आपको लोड नाम लिख करके आएगा और यहाँ से डिजाइन लिख करके आएगी और यहाँ से प्रोडक्ट लिख के आएगा। डिजाइन में आपकी जो डिजाइन डाले रहेंगे वो डिजाइन रहेगी। फर्स्ट टारगेट में आपको टारगेट दिखेगा कि आपका एक पहले लोड में इतना इतना माल गिरने वाला है। और मिक्स डिजाइन में आपको बताएगा यह 15 है, डॉकेट नंबर 1 चलने वाला है, प्रोडक्शन क्वांटिटी आपका 6 एमक्यू डाला हुआ है, बैच 8 चलेगी मतलब 8 साइकिल चलेगी, बैच साइज 0.75 का है। जैसे ही हम यहाँ से लोड नाव करेंगे तो साइकिल लोड नाव हो जाएगी।